सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस के बाद सपना चौधरी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि उनके साथ हर कोई सेल्फी खिंचवाने के लिए बेचैन रहता है। हरियाणा की शान इन दिनों अभय देओल के साथ फिल्म नानू की जानू की शूटिंग में बिजी है। इसी बीच सपना चौधरी को ऐसे ऑफर मिल रहे हैं जिससे उनकी पहचान ही बदल सकती है। सपना चौधरी का हरियाणा में काफी नाम है, यहाँ तक कि लोग उनके शो को देखने के लिए कोसों दूर से आते हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही है कि मशहूर डांसर सपना चौधरी को राजनीति में आने का ऑफर मिल रहा है। जब इस मामले में सपना चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। सपना ने कहा, अप्रोच तो किया जा रहा है लेकिन अभी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, आगे देखेंगे कि क्या होता है। इसके साथ ही सपना ने कहा, शो के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं चाहती थी कि सभी को पता चले कि यहाँ पर भी टैलेंट है। आपको बता दें कि बिग बॉस के दौरान सपना चौधरी को काफी पसंद किया गया है, हालांकि वो कुछ दिनों बाद ही घर से बेघर हो गई थी। बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही सपना ने अभय देओल के साथ फिल्म नानू की जानू साइन की। इस फिल्म को फराज हैदर डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि फिल्म अप्रैल 2018 में ही रिलीज होगी। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।